नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। जनपद हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो सात्र चोरों सोए पुत्र जाकिर हुसैन निवासी शीतल खां राही नगला बरी थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद, शाहरुख पुत्र नत्थू खां निवासी फेज द्वितीय पीराखार रामबाग थाना एतमा दौला जिला आगरा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जिनके कब्जे से चोरी की गई होंडा सिटी कार नंबर UP 16N 3990 एवं घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार नंबर UP 80AU 4308 व गाड़ियों का लॉक तोड़ने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस ने बताया कि दिनांक 23/1/21 को अमित कुमार पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी सिकंदर राव रोड कस्बा व थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई थी कि दिनांक 20/1/21 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के सामने से खड़ी उनकी होंडा सिटी कार नंबर UP 16N 3990 चोरी कर ले गए हैं, जिसके संबंध में तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सिकंदर राव व प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त गिरफ्तारी व बरामदी की गई है। दिनांक 20 और 23 जनवरी में थाना हाथरस जंक्शन में एक होंडा सिटी गाड़ी और एक वैगनार की चोरी के संदर्भ में अपराध पंजीकृत किया गया था। इन दोनों वाहनों की बरामदगी के लिए SHO जंक्शन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा आज दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पजेशन से होंडा सिटी गाड़ी बरामद हुई है। साथ ही वाहन के लॉक तोड़ने के उपकरण और एक और सेंट्रो गाड़ी भी इनके पजेशन से बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी की जा रही है। दो अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।